हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके बीच एनालॉगी रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए बिना कोई देर किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह एनालॉगी के क्वेश्चन में जो है दोस्तों, ये सीरीज टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कि इसमें संबंध क्या है। जैसे संबंध देखने का मतलब है कि 9 से 90 हो गया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम देखेंगे 9 से 90 के बीच जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। 5 से 30 देखेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजी तरीके से एक बार देखें तो दिमाग में एक तरह से हिट करे कि इसमें ये लॉजिक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम उसी तरह के पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करेंगे, जिससे कि हमारी जो है तर्कपूर्ण क्षमता और अच्छी तरीके से डेवलप करें और अच्छी तरह क्वेश्चन का हम कर बना सकें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 9 और 90 में देखिए रिलेशन बनाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए घटा तो नहीं हो सकता है, जोड़ भी नहीं कर सकते हैं, कहे कि बहुत ज़्यादा गैपिंग है दोस्तों, ठीक है। या तो देखिए स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, क्यूब भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि क्यूब 9 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, या कोई संख्या से मल्टीपल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सब प्रथम मल्टीपल देखेंगे दोस्तों, इस तरह का रहेगा, डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, मल्टीपल देखेंगे। मल्टीपल के बाद स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। आप स्क्वायर भी पहले देख सकते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा, और प्लस 9 कर देते हैं कितना हो गया दोस्तों, 90 हो गया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना दोस्तों हो जाएगा, 25, और जोड़ 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ भी वही कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। और फिर क्या करेंगे, ये जो संख्या है उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें स्क्वायर इसलिए लगाए दोस्तों कि ये स्क्वायर के करीब है। देखिए 9 का स्क्वायर जो है 81 यानी कि 90 के करीब है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 9 का स्क्वायर कर दिए, इसमें क्या किए, 9 का स्क्वायर किए प्लस जो संख्या 9 था उसको जोड़ दिए, ठीक है दोस्तों, 90 हो गया। इसमें देखिए वही किए, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिए, जो 5 संख्या है उसको जोड़ दिए दोस्तों, ठीक है। अब 10 है तो 10 का देखिए दोस्तों स्क्वायर किए, अब प्लस क्या किए, 10 जोड़ दिए, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 110, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 11 से 130 में क्या रिलेशन है। देखिए देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ठीक है। तो हो सकता है स्क्वायर का आसपास की संख्या हो, ठीक है, स्क्वायर के आसपास की संख्या हो। तो देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 121, इसमें देखिए 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 49 हो जाएगा, प्लस 9 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस 9, देखिए इसमें भी 9 जोड़ रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट वाला हम भी इसमें भी 9 जोड़े तो इसमें भी 9 जुटेगा, ठीक है। 225 9 कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए फिक्स संख्या से जोड़ रहे थे और उसमें जो संख्या था उसी को जोड़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 27 से 140 है, देखिए इसमें जोड़ नहीं हो सकता है, इसमें जोड़ नहीं हो सकता है, घटा नहीं हो सकता है, ठीक है। घटा तो कम होगा तो होगा, भाग नहीं हो सकता है,
क्या हो सकता है दोस्तों, गुणनफल हो सकता है, स्क्वायर भी नहीं होगा। 27 का स्क्वायर करेंगे तो 140 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 115 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग मल्टीपल का थॉट ऑटोमेटिक दिमाग में इस तरह से जनरेट करेंगे कि जब स्क्वायर करने पर बहुत ज़्यादा आ जा रहा है तो हो सकता है कि इसमें जो है मल्टीपल ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 27 में 5 से गुना करेंगे, 140 के पास पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 27 गुना 105 कितना हो गया दोस्तों, 135 प्लस 5 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 140। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 22 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 जोड़ 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे दोस्तों, यदि ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया तो अगला भी होगा दोस्तों 32 गुना 5 कर देंगे दोस्तों, अब प्लस 5 जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 32 पच्चीस 160 प्लस 5 165 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या किया गया, एक फिक्स संख्या से गुणा किया गया और एक फिक्स संख्या क्या हुआ गया, जोड़ा गया। इसमें भी देखिए एक फिक्स संख्या से जो संख्या से गुणा किया गया उसी संख्या को जोड़ा गया। इसमें दोस्तों ये भी हो सकता है कि कोई फिक्स संख्या से गुणा कर देगा और कोई दूसरा संख्या जोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखे थे कि पहले देखे थे कि जो फिक्स संख्या का स्क्वायर किए थे वही फिक्स संख्या हम लोग क्या किए थे, जोड़े थे। जैसे पहला क्वेश्चन में देखे थे दोस्तों, इस वाला क्वेश्चन में एक फिक्स संख्या से हम लोग क्या किए थे, इसका स्क्वायर कर दिए थे और वही संख्या क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे। इसका भी वही किए थे, इसका स्क्वायर कर दिए थे और वही संख्या जोड़ दिए थे। लेकिन दूसरा वाला हम क्या किए थे दोस्तों, दूसरा वाला हम क्या किए थे, इसका तो स्क्वायर किए लेकिन एक दूसरा फिक्स संख्या जोड़ दिए थे 9। इसका भी देखिए वही किए थे, स्क्वायर किए थे लेकिन एक दूसरा संख्या फिक्स संख्या जो 9 जोड़ रहे थे वो जोड़ दिए थे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इस संख्या में भी अलग हो सकता है, जैसे 5 से गुना किए 5 ही जोड़े, 5 से गुना किए 6 भी जुट सकता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अब इसमें देखिए अंतर से भी हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों कि 12 18 6 का अंतर है, अभी देखिए 28 42 यानी कि 14 का अंतर है, तो ये तो नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, दोनों का अंतर अलग अलग है। तो हम लोग देखिए एक दिमाग में 12 और 18 को देखने से, 28 और 42 से देखने से हो रहा है कि इसमें 150 गुना कर दिया गया, 1 पूर्णांक 1/2 से गुना कर दिया गया, उसमें 28 दौड़े करेंगे दोस्तों 42 हो जाएगा। देखिए माइंड में मतलब एडिशन नहीं दिमाग सेट कर रहा है सीरीज में, तो सीधा दिमाग लगे कि हो सकता है कोई संख्या से मल्टीपल किया हो गया होगा। तो देखिए 150 गुना कर दिया, 10 को यदि 150 गुना करेंगे, 10 गुना 3/2 करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा कितना, 5 गुना 3 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग की यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें जो है सर्च को देखिए ESRAHC लिखा है। इसमें देखिए दोस्तों लॉजिक क्या है, एनालॉजी की ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए SEARCH जो भी इसमें जो है लेटर है इसमें भी देखिए सेम है, लेकिन क्या है बस रीअरेंज कर दिया है। देखिए डिजाइन में जितना उपयोग हुआ है उतना ही इसमें भी है, यानी कि क्या किया है इसको रीअरेंज किया है दोस्तों, इसको क्या किया है रीअरेंज किया है दोस्तों। तो जैसे देखिए कैसे रीअरेंज किया, देखिए दोस्तों दो दो गो को रीअरेंज किया, लास्ट वाला देखिए CH है तो इसको उलट दिया है तो HC हो गया दोस्तों, AR है दो दो गो को उल्टा है, AR है तो देखिए RA हो गया दोस्तों,
एस ई है तो ई एस हो गया दोस्तों, यानी दो दो गो को उलट दिया है और लास्ट से उल्टा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए डी ई है तो ई डी हो गया, एस आई है तो आई एस हो गया, जी एन है तो एन जी हो गया। अब देखिए इधर भी इसमें भी उलट देंगे दोस्तों, एल ए है तो क्या हो जाएगा, एल ए क्या है तो ए एल हो जाएगा, वाई ओ है तो ओ वाई हुआ जाएगा। ठीक है, यू टी है तो टी यू हो जाएगा दोस्तों। तो कौन हमारा आंसर मिल रहा है दोस्तों, ए एल ओ वाई टी यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या किया है दोस्तों, रीअरेंज कर दिया है। देखिए इसको फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसको रीअरेंज किस तरह से किया गया, फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे देखिए सर्च एस ई ए आर सी एच, सर्च को क्या लिखा है, ई एस आर ए एच सी लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको इधर कर दिया है दोस्तों, इसको इधर कर दिया है यानी क्रॉस किया है दो दो गो का। ठीक है दोस्तों, देखिए क्रॉस किया है दोस्तों, तो वैसे ही देखिए लेआउट को क्रैश कर देते हैं, एल ए वाई ओ यू टी लेआउट है दोस्तों, इसको दो दो को क्रॉस कर देंगे तो एक देखिए ऐसे होगा, एक ऐसे होगा दोस्तों, एक देखिए दोस्तों ऐसे होगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक देखिए ऐसे हो जाएगा। देखिए इसका वाला सेम क्रॉस वाला पैटर्न हो रहा है दोस्तों, बस यहाँ उतार देंगे ए एल ओ वाई टी यू, ए एल ओ वाई टी यू, ए एल ओ वाई टी यू, ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। ये दो दो का क्रॉस पैटर्न है दोस्तों, थ्री थ्री का भी लेटर का भी क्रॉस पैटर्न हो सकता है दोस्तों, चार चार के भी हो सकता है, पाँच पाँच का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट यही देखना है, जो यहाँ यूज हुआ है जो भी वर्णमाला में यहाँ देखिए इसमें यूज हुआ है, यानी कि सर्च में एस ई ए आर सी एच सर्च यूज हुआ है, वही चीज़ यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो हम सीधा दिमाग लगेंगे इसमें क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है दोस्तों, रीअरेंज किया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये इस तरह के दिमाग में टिक बैठेगा तो हम लोग सीधा इसका पैटर्न निकाल लेंगे कि कैसे कैसे रीअरेंज किया। तो जैसे देखिए इसमें क्या किया था, दो दो गो का क्रॉस पैटर्न बनाया। ठीक है दोस्तों, हो सकता है तीन तीन गो का क्रॉस पैटर्न बनाए, चार चार गो क्रॉस पैटर्न बनाए। आप जैसे ही पैटर्न बनाइएगा दोस्तों, स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का क्रॉस पैटर्न बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों उसी तरह का है, सेम है। इसमें भी देखिए दोस्तों क्या किया गया है, रीअरेंज किया गया है। देखिए लेटर को रीअरेंज किया गया है, एल ई डबल टी ई आर, लेटर को रीअरेंज करके क्या लिखा है दोस्तों, आर ई डबल टी ई एल। ठीक है दोस्तों, देखिए आर को ऐसे अरेंज किया है दोस्तों, यहाँ ई को ऐसे कर दिया है, टी को ऐसे कर दिया दोस्तों, ऐसे किया है, यानी कि देखिए दोस्तों यानी कि ये लास्ट वाला को शुरू लिख दिया है दोस्तों, यानी कि पहले देखिए इसको सीधे उलट दिया है दोस्तों, जैसे कि एल ई डबल टी आर है तो इसको इधर से कर दिया, आर ई डबल टी ई एल। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए ओपिनियन के भी दोस्तों इधर से उलट देंगे तो एन पहले हो जाएगा, उसके बाद देखिए ओ होगा, फिर आई होगा, टी आएगा, पी आएगा, फिर ओ आएगा। तो उसी प्रकार देखिए सेलेक्ट को भी दोस्तों उलट देंगे, तो पहले देखिए टी, देखिए जैसे इस तरह का है तो टी यहाँ आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद देखिए सी आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद देखिए ई आएगा दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा, एल आएगा दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा दोस्तों, फिर उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा दोस्तों। तो टी सी ई एल ई एस,
TCELES, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में, बहुत ही साधारण है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी इधर हमको वर्ड दिखेगा वही सेम इधर भी रहेगा, तो उसको रीअरेंज किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रीअरेंज करने में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, हम लोग पैटर्न देखना है किस तरह का पैटर्न बना रहा है दोस्तों, क्रॉस का बटन बना रहा है या उल्टा का पैटर्न बना रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है, देखिए दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए सी को एक्स लिख रहा है, हम लोग जानते हैं दोस्तों दो वर्ड का आदि अपोजिट, अपोजिट निकालना है तो 27 में से घटा के निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आदि दोनों का योग, दोनों का योग यदि 27 हो गया तो एक दूसरे क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है दोस्तों। दोनों के योग यदि 27 हो गया तो दूसरे एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे सी का क्या होता है प्लेस वैल्यू 3 होता है, 24, एक्स का क्या होता है 24, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27, यानी कि यह एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तब डी कितना है, 4 है दोस्तों, तो आगे क्या होगा, तो 27 जोड़ना, 27 टोटल योग कितना होना चाहिए 27, तो 4 है तो कितना दूसरा होना चाहिए 23, 23 किसका मान होता है दोस्तों, 23 आपका डब्लू का होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपोजिट का रूल है कि दोनों का योग यदि 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। जैसे सी 3 हो गया, एक्स 24 हो गया, तो 24 3 27 हो गया, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है, तो डी भी क्या हो जाएगा, दूसरे का अपोजिट होगा। डी का प्लेस वैल्यू 4, इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो 23 वाला होगा, तो 23 किसका होता है दोस्तों, डब्लू का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें देखिए दोस्तों क्या किया है, इसमें देखिए एक चीज़ देखते हैं, वाई है, वाई कितना होता है 25 होता है। अभी देखिए बी कितना होता है 2 होता है, 25 2 क्या हो जाएगा 27, ये एक दूसरे क्या हो गया, अपोजिट हो गया दोस्तों। एल कितना होता है 12 होता है दोस्तों, वो कितना होता है 15 होता है, तो 12 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 27, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। देखिए दोस्तों इस तरह पैटर्न बन रहा है, एल वाई एल पी के ओ बी, तो देखिए इस तरह का अपोजिट, यानी कि अपोजिट में भी हम लोग का क्रॉस पैटर्न बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्रॉस पैटर्न बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे वाई का देखिए बी, तो 25 2 27, पी का केस 25 2 27, बीच वाला बीच में हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें बस में भी देखेंगे बी यू एस, बस का क्या लिखा है दोस्तों, एच एफ हुआ, देखिए 59 8 27, इस तरह का पैटर्न बना दिया दोस्तों, क्रॉस पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब देखिए रेन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आर ए एन, रेन का पूछ रहा है दोस्तों, तो रेन का देखिए क्रॉस पैटर्न बनेगा इस तरह का दोस्तों, क्रॉस पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो एन का क्या हो जाएगा, एन का हो जाएगा 14 14, क्या हो जाएगा 13 13, क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा दोस्तों, आर का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो एम जेड आई हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दोस्तों, एनालॉगी क्वेश्चन में। आप देखिए डब्ल्यू ए आई टी ई आर का क्या लिखा है, 24 29 23, तो देखिए दोस्तों 24 कैसे लिखा है, W का कितना होता है 23 होता है, A का क्या कितना होता है 1, आदि दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, 23 24 24 हो जाएगा दोस्तों। I कितना होता है 9 होता है,
टी कितना होता है, 20 होता है, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 20 9 29 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ई का कितना होता है, 5 होता है, 18 का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आर का कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, 18 और 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो दो गो का जो भी है इसका प्लेस वैल्यू को योग करके आगे हमको क्या करना है, लिखना है। तो जे का कितना हो जाता है, 10, यू का कितना हो जाता है, 21, 21 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा, ठीक है। एम का कितना होता है, 13 होता है, पी का कितना होता है, 16 होता है, 13 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा, ठीक है। ई का कितना होता है, 5 होता है, आर का कितना होता है, 18 होता है, 18 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आ गया, 21 31 29 23, 31 29 23, ऑप्शन नंबर 1 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का यहीं तक क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल का घंटा जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो समय समय मिलते रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।